क्या महाजिर हिंदुस्तान चले गए, पंजाबी जालंधर चले गए, पठान अफगानिस्तान चले गए, बलोची ईरान चले गए, खाली फौज रह गई पाकिस्तान में। दूसरे दिन मैं अपनी मकबूलियत की माफ़ी मांगने मीर साहब के घर गया। वो लेटे हुए टेलीविज़न देख रहे थे, यहाँ टेलीविज़न भी बग़ैर बिजली के चलता है। इमरान खान सफ़ेद शलवार, सफ़ेद कमीज़, काला कोट और लाल मफलर डाले तकरीर कर रहे थे। मुझसे कहने लगे, बहुत खुश शक्ल है, इससे पहले हमारे वज़ीर आज़म के लिए किसी और ख्वाहिश का इजहार करें। मैंने टेलीविज़न बंद कर दिया। मैंने टेलीविज़न बंद कर दिया। कहने लगे, इमरान है कैसा? मैंने कहा, न्याजी है मगर न्याजमंद नहीं, अकल है मगर अकलमंद नहीं, फिक्र है मगर फिक्रमंद नहीं, दौलत है मगर दौलतमंद नहीं। मीर की कुलियात जो मैं तरतीब दे रहा हूँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मीर साहब चाह रहे हैं तुम इस किताब का नाम बताओ। मैंने कहा, क़िबला, आप अनवर मकसूद के घर एक मरतबा गए हैं, मैं हज़ार मरतबा जा चुका हूँ, वो ऐसा नाम बताएगा जिसके कई मतलब निकल आएंगे। कहने लगे, वो मुझे तुमसे ज़्यादा जानता है, मेरी इज्जत करता है और मुझे शायरों का खुदा मानता है। फिर मैंने हिम्मत करके जो नाम तुमने पिछले ख़त में लिखा था वो बता दिया। मैंने कहा, अनवर मकसूद चाहता है आपकी कुलियात का नाम ख़वातीन व हज़रात होना चाहिए। उचक के बैठ गए, मैंने गुपक लिया वरना पलंग से गिर जाते। बोले, कुलियात का नाम ख़वातीन व हज़रात? मैंने बताया अनवर ने लिखा था 2000 अशार ख़वातीन के बारे में, 2000 अशार हज़रात के बारे में। कहने लगे, अब नाम समझ में आया, रख दो। टेलीविज़न लगाया, इमरान की तकरीर ख़त्म नहीं हुई थी। ज़ोर से अपना एक मिसरा पढ़ा, अल्लाह रे क्या नमक है आदम के हुस्न में भी। मैं खुदा हाफिज़ कह के चला आया, अपने क्वार्टर पहुंचा, नींद करीब आने का नाम ही नहीं ले रही थी। जानी यहाँ ना सोने की गोली मिलती है ना जागने की। सोचने लगा, यहाँ क्यों आ गया, साकी फारूकी की तरह दूसरी तरफ जाना पसंद कर लेता। आग की वजह से कम चाय तो गर्म मिल जाती। कुछ दिन पहले मगरब के बाद फैज़ साहब से मुलाकात हुई। कहने लगे, पाकिस्तान में तब्दीली आ गई है। मैंने कहा, मुझे मालूम है, अब लाहौर में मेला चरागा की जगह फैज़ मेला होता है। कहने लगे, अदबी तब्दीली की नहीं, हम सियासी तब्दीली की बात कर रहे हैं, नए पाकिस्तान की। मैंने पूछा, क्या मतलब नया पाकिस्तान? क्या महाजिर हिंदुस्तान चले गए? क्या महाजिर हिंदुस्तान चले गए, पंजाबी जालंधर चले गए, पठान अफगानिस्तान चले गए, बलोची ईरान चले गए, खाली फौज रह गई पाकिस्तान में। खाली फौज रह गई पाकिस्तान में, वो तो शुरू से थी, फिर नया पाकिस्तान कहाँ से आ गया? नाराज हो गए और चले गए। जानी ये खुद फौज में कर्नल रह चुके हैं। जानी नया पाकिस्तान सिर्फ एक तरह बन सकता है। तुम इमरान खान से कहो पुराने पाकिस्तान को मलिक रियाज को भेज दे। और नया नाजमाबाद के पीछे नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दे। पुराना पाकिस्तान भी कराची से शुरू हुआ था, नए पाकिस्तान को भी कराची से शुरू होना चाहिए।
तुमने ख़त में लिखा था तुम्हें एक फंक्शन में शायरी और सियासत पे बात करना है, पाकिस्तान क्या सियासत से ठीक हो सकता है या शायरी से? जानी शायरी और सियासत में सिर्फ झूठ होता है, पोइट्री और पॉलिटिक्स में से झूठ निकाल दो तो सिर्फ सफ़ेद कैनवस रह जाता है। शायर अपनी गज़ल के हर दूसरे शेर में यू टर्न लेता है और सियासतदान अपनी हर तकरीर में यू टर्न लेता है। बस एक बात ज़रूर कह देना, अच्छे शायर के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी नहीं है, मगर हर बड़े सियासतदान के लिए अच्छा बेईमान होना बहुत ज़रूरी है। इमरान ईमानदार हैं इसीलिए मुश्किल में है। अब बचा क्या? पाकिस्तान सियासत से ठीक हो सकता है या शायरी से? कायद आज़म बहुत बड़े सियासतदान थे, अल्लामा इकबाल मुहब्ब वतन थे और बड़े शायर थे। अब पाकिस्तान में ना कायद पैदा हो सकते हैं ना अल्लामा। पाकिस्तान को तरक्की, अगर पाकिस्तान की तरक्की तुम देखना चाहते हो तो पंजाबी वकीलों को फ़ौजी बना दो और पंजाबी फ़ौजियों को वकील बना दो। मैं कसम खाता हूँ ये दो दिन में सरहद पार कर लेंगे। जानी ख़त्म करने को जी नहीं चाह रहा है, बस तुम्हें एक अच्छी खबर सुना दूँ। आज सुबह मेरी बजिया से मुलाकात हुई, शहद की नहर के किनारे बैठी क्यारियों में फूल लगा रही थी, 10-15 हूरें उनके साथ थी। मुझे देखकर खड़ी हो गईं और दोनों हाथ फैलाकर कहा, इधर आओ बेटे, कैसे हो, किधर हो, कहाँ हो, भाई तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैंने बजिया को बताया नहीं कि हम मर गए हैं। चानी अब बताओ हम और बजिया क्या करें, आसमानों में गिर पड़े यानी हम जमीन की तरफ उड़ान में थे। तुम्हारा जॉन जानी जाने मन। पाकिस्तान सियासत से ठीक हो सकता है या शायरी से? कायद आज़म बहुत बड़े सियासतदान थे, अल्लामा इकबाल मुहब्ब वतन थे और बड़े शायर थे। अब पाकिस्तान में ना कायद पैदा हो सकते हैं ना अल्लामा। पाकिस्तान को तरक्की, अगर पाकिस्तान की तरक्की तुम देखना चाहते हो तो पंजाबी वकीलों को फ़ौजी बना दो और पंजाबी फ़ौजियों को वकील बना दो। मैं कसम खाता हूँ ये दो दिन में सरहद पार कर लेंगे। जानी ख़त्म करने को जी नहीं चाह रहा है, बस तुम्हें एक अच्छी खबर सुना दूँ। आज सुबह मेरी बजिया से मुलाकात हुई, शहद की नहर के किनारे बैठी क्यारियों में फूल लगा रही थी, 10-15 हूरें उनके साथ थी। मुझे देखकर खड़ी हो गईं और दोनों हाथ फैलाकर कहा, इधर आओ बेटे, कैसे हो, किधर हो, कहाँ हो, भाई तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैंने बजिया को बताया नहीं कि हम मर गए हैं। चानी अब बताओ हम और बजिया क्या करें, आसमानों में गिर पड़े यानी हम जमीन की तरफ उड़ान में थे। तुम्हारा जॉन जानी जाने मन।